दिस वन आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज द प्रोमो वॉज अमेजिंग. किसका? द न्यूनेस ऑफ द कैरेक्टर्स. This one, the one that we are reviewing right now. आपको याद है हम यहीं पे थे, फैसल ने तस्करा किया था कि मैं इसकी कुछ चीजें देख के आया हूँ, ये ड्रामा बहुत जबरदस्त होने वाला है. एग्जैक्टली जहाँ पे आप बैठी हैं फैसल बैठे हुए थे. और बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, जब हम बख्तावर को कर रहे थे तो उन्होंने कहा शाहिद शफाद नया प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं उसके वो देख. मुझे अच्छी तरह याद है फैसल ने कहा था. उसमें क्या अच्छा लगा था? आई लव्ड द प्रोमो. इट वाज सो रिफ्रेशिंग. इट हैड प्रोमोज के लिए वो एक वो था लैंडमार्क. लैंडमार्क, लुक एट दिस प्रोमो एंड मेक अ प्रोमो लाइक दिस. आई थिंक फैसल ने प्रोमो देखा था. शॉट्स, ऑल इंटरेस्टिंग शॉट्स. एपिसोड आई काइंड ऑफ फेल्ड मी बिकॉज पूरे एपिसोड में मुझे लगा 2 बातें हुई हैं. एक वो लड़का लड़की एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ खिलंडरापन कर रहे हैं, दोस्ती है जिसको वो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं. और दूसरा वो पार्टी वाला सीन जो कि थोड़ा सा बच्चगाना था, इन द सेंस कि कोई भी आजकल के बच्चे, और हम आजकल के बच्चे दिखा रहे हैं इसमें सारे के सारे, ऐसा नहीं होता जब किसी फ्रेंड के साथ कोई एक उनका दोस्त पार्टी पे आता है तो वो कहते हैं ओ तुम्हारा इससे अफेयर है, इतना एकदम से चूंके आपने उनके दिमाग में डालना है कि तुम्हारा अफेयर है. तो सब कहना शुरू हो गए कि तुम्हारा अफेयर है. सो मुझे लगा कि थोड़ा सा एपिसोड वॉज अ लिटिल चाइल्डिश फॉर मी. इट फेल्ट लाइक ये कुछ बच्चे गाना है. मारिया, गुमशुदा मोहब्बत, गुम ही रहे तो बेहतर है. कई दफ़ा बेहतर होता है कि गुम ही रहे ना ढूंढे उसे. मैंने प्रोमो नहीं देखा और फैसल का रिव्यू भी नहीं था मेरे पास. मैंने जब आप लिस्ट लाई तो तभी इसको एपिसोड देखा. आई अंडरस्टैंड कि पहली जो एपिसोड होती है वो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं आप कैरेक्टर्स का कि हाउ दे गोइंग टू फिट इट. बट पहली ही एपिसोड में कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए विच विल टेल यू कि ये सीरियल मैंने देखना है या नहीं देखना है. यू डिसाइड, यू नो, आप वेट नहीं करेंगे चौथी एपिसोड का जब कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी तो आप. अच्छा, फॉर मी इट वॉज एन ऑर्डिनरी एपिसोड. मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रीनरी, खूबसूरत फ्रेम्स देख के जी इस्लामाबाद है तो वो जो आपको आउटडोर आप एक्सपेक्ट करते. दूसरा प्रॉमिसिंग थिंग मुझे ये लगी कि अच्छा ये यूथ के ऊपर है, लड़के लड़कियाँ जो कॉलेज की हैं आजकल की उनके ऊपर है. एंड साथ ही एक फैमिली डायनामिक भी चल रहा है, हाउ बच्चे परमिशन लेकर नहीं जाते, लाइसेंस नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोमिनेंट की क्योंकि इनकी वजह से मे बी आगे रिपरकशन आप दिखाएंगे. परमिशन लेकर ना जाना, लाइसेंस ना होना, ये बात करना कि अफेयर है किसी का और इस बात पे लड़ाई हो जाना. देन अगेन एकदम वो जो दूसरा उसका दोस्त है वो ये कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, ये उसको रीबट करता है कि डोंट से दिस, गलत बात है ये कहना कि जो भी लड़की आएगी उसका उसके अफेयर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग. क्योंकि ये दोनों चीज़ें होनी होती हैं. अगर कोई मजाक कर रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा इसके साथ चक्कर है तो देर लड़कों के जहन में मैंने देखा है पार्टीज में कि लड़कों के जहन में किसी भी लड़की आ रही है, जहन में बाजू आती है ओ रात को इतनी देर में निकली तो जरूर ये अच्छा. हाँ तो ये हाइलाइट हो रही है बात, व्हिच आई थिंक इज इस वक्त का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जहनों में. आम बात हो गई है ये और हम इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते. लेकिन इसमें अंदर मुझे लग रहा है कि ये बात आपने हाईलाइट की है तो अब शायद अगला लड़का कोई ऐसा बात करने लगे किसी के बारे में भी तो शायद रुक जाए. यू नो इट्स, और जो दूसरे उसके दोस्त ने कहा है कि यू शुडंट बी सेइंग दैट, आई मीन ये बिल्कुल गलत है कि तुम इसका इल्ज़ाम लगाओ, वो आई है उसके साथ, हमें इज्जत करनी चाहिए. सो ये एक अच्छा पॉइंट है अगर इसको यहाँ ख़त्म ना कर दें और आगे लेकर चलें. एक फैमिली डायनामिक इसके अंदर नज़र आ रहा है जो इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी ये नहीं पता कि कहानी कहाँ जाती है. सो आई विल वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड कि मैंने फिर इसको अगर आप कहेंगे तो फिर देखूंगी वरना फिर मैं नहीं देखूंगी. बट हो भी सकता है कि कुछ हो, नहीं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, डबी तो ड्रामा बना है. ना दिया. अच्छा, 2019-20 में राहत जबीन का खवातीन डाइजेस्ट में ये मंथली स्टोरी आती थी, तितली जैसा प्यार. तो तितली जैसा प्यार को मोहब्बत गुमशुदा है मेरी का नाम दे के वही नॉवल, वही वो स्टोरी जो है वो अब आप ड्रामे की सूरत में देख रहे हैं. और एज अ स्टोरी ये बहुत पसंद की थी लोगों ने. ट्रेजेडी है इसमें स्टोरी है टीनएजर्स के, कभी कभी उनके फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं जो उनके करीब हैं.
तो स्टोरी तो हिट है, अब जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ड्रामा बना के तो कभी कभी थिंग्स गो रॉन्ग। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई नॉवेल्स और स्टोरीज जब वो ड्रामा बनती हैं ख़राब हो जाती हैं।